खबर मिर्जापुर के चुनार से है। श्री हीरालाल वर्मा इंटर कॉलेज उस्मानपुर चुनार में किया गया रंगोली वन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। श्री हीरालाल वर्मा इंटर कॉलेज उस्मानपुर चुनार में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रंगोली तथा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम रही छात्राएं रोशनी, ईशा, अनामिका, आयुषी, द्वितीय पलक, शिवांगी, पलक चौधरी, शिखा तथा तृतीय छात्राएं रही आराधना, काजल, अंजलि, श्रेया। यह रंगोली प्रतियोगिता की छात्राएं थी। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे उज्जवल कुमार, रोशनी मौर्य, द्वितीय स्थान पर रहे गौरव साहनी, तृतीय स्थान पर रहा दिव्या सोनकर और निर्णायक मंडल पर रहे ललन प्रसाद, मुन्नी रानी, प्रियंका पांडे, अनामिका मौर्य, अजय यादव रहे और विशिष्ट अतिथि में उपस्थित रहे अवधेश कुमार वर्मा, प्रबंधक दिवाकर लाल प्रधानाचार्य, गौरव कुमार श्रीवास्तव उप प्रधानाचार्य तथा विद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। चुनाव से हमारे संवाददाता सुनील कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। आज बच्चों का इस विद्यालय में प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया है। ये हर वर्ष इस विद्यालय में मनाया जाता है और इस बार भी बच्चों के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। इसको तीन ग्रुपों में बांटा गया है और मैं इसी संबंध में विद्यालय के प्रिंसिपल से बात करने जा रहा हूँ। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज जो विद्यालय में ऐसा है कि ये जो प्रतियोगिता है हमारे विद्यालय में पिछले कई वर्षों से चल रहा है जी, और बच्चों के सारे विकास के लिए उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए जी सर ये सब प्रतियोगिताएँ रखी जाती हैं। इस प्रतियोगिता के बाद उनको उचित पुरस्कार मिलता है, इससे पाए गए बच्चों में एक एक्टिविटीज़ अच्छी एक्टिविटी जाती है और पढ़ाई के प्रति कला के प्रति और विश्व उनकी रुचि और बच्चे जो नहीं कम भाग लिए हों वो लेने लगते हैं, तो उनको जब उचित पुरस्कार मिल जाता है उसके ऊपर सम्मान मिल जाता है जी सर, और बच्चे उसमें आकर्षित पार्टिसिपेट इतना ज़्यादा इसलिए ये प्रतियोगिताएँ रखा जाता है ताकि हर वर्ष बच्चे जो बढ़े बच्चों का सारा विकास हो, जो नए बच्चे आने वाले हैं उनका भी इस तरह का रुझान, जो पिछले जो बच्चे नए आते हैं उनको मालूम होता है, तो ये सब देख करके उनका भी ध्यान इस तरह बढ़ता है और पढ़ाई के प्रति, समाज के प्रति और आर्ट के प्रति सब जो है उनकी भावनाएँ बढ़ती हैं और पढ़ाई भी उनका एक अच्छा तरीके से होता है, मन लगता है, स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं उनको मन जी, तो क्लास की अच्छा से लेते हैं, उनका एक मंदिर भी जाता है, उनको एक पुरस्कार भी मिल जाता है और घर के गार्जियन भी खुश रहते हैं। सर, जो बच्चे यहाँ पर विभाग करते हैं और यहाँ विद्यालय से भी पता चले बच्चे जाते हैं ना जो मिर्जापुर में होता है जी, तो हर जिले से जितने भी विद्यालय हैं जिसको तो इन्वाइट किया था जो विद्यालय पहुँच जाते हैं वहाँ उसमें जो नंबर आ जाते हैं जी, यहाँ कम्पिटिशन छाट देते बच्चे जो फर्स्ट के खाना तो उनको वहाँ पर पार्टिसिपेट कराते हैं, तो वहाँ पर आ जाते हैं तो वहाँ भी उनको मिल जाता है और विद्यालय और जो टीचर इसमें पार्टिसिपेट भाग लेता है बच्चा भी और बच्चे भी जो है कुछ रहते हैं और विद्यार्थी भी खुश होता है इससे, और विद्यालय के प्रबंधन का विद्यालय की चुनौती भी बढ़ता है तो और सुविधाएँ प्राप्त होती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े तो और सुविधाएँ और जितना विद्यालय के बच्चे आगे जाएंगे वही विद्यालय का नाम रोशन होगा और इससे किसी का भी जी का मनोबल बढ़ता है, इसका भी मनोबल बढ़ता है और भी टीचर उनका भी मनोबल बढ़ता है, गार्जियन भी हमारी तरफ जी मेरे बच्चों का वहाँ कुछ करें इसी उद्देश्य से धन्यवाद सर। जो बच्चों का आज ये परीक्षा कराया जा रहा है इसके बारे में सर, यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है हम लोग ये कार्यक्रम जो आगे चलाते रहते हैं, कल्याण का होता है, रंगोली होता है और बच्चों को जो है कला की तरह यहाँ प्रतियोगिता कराया जाता है, अभी दिन पहले हम लोग स्काउट गाइड प्रतियोगिता कराएँ, तो इस तरीके से हर वर्ष हम लोग प्रतियोगिताएँ यहाँ पर अधिक चलाते रहते हैं, तो इस बार हम लोग रंगोली प्रतियोगिता और जो प्रतियोगिता के लिए प्रकार करते बाबू आप इस प्रतियोगिता में भाग नहीं हो, आप क्या बनाना और लोगों को क्या दिखाना चाहती हैं? कोरोना बना रही हूँ और इससे हम जानते हैं सब लोग की बच्चे सब लोग को अच्छे से रहें, मास्क लगाएं, मतलब कोरोना से बचें, सब लोग सुरक्षित रहें। ये बच्चियाँ इस समय रंगोली बना रही हैं और अभी इसमें रंग भरना बाकी है, अब सबसे बेटर और सबसे उत्तम किन लोगों का होगा ये अभी जज
क्वालिफाई करेंगे, कौन फर्स्ट आया है और कौन सेकंड आया है, कौन थर्ड आया है, ये तीनों ग्रुप में अभी सर उसको चेक करेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा, तो देखा जाएगा कि कौन सा ग्रुप इसमें फर्स्ट आएगा।